आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आनंदपाल का महिमा मंडन किया जा रहा है। किस तरह से पुलिस महकमा इस महिमा मंडन को लेता है और क्या कदम उठाने चाहिए पुलिस को इस महिमा मंडन को रोकने के लिए? देखिए, हमने सोशल मीडिया का जो मैसेज चल रहे हैं उसका जवाब हमने सोशल मीडिया पे भी दिया है। हमने कई ऐसे मैसेजेस जो फैक्चुअली करेक्ट है, ये समाज जो एक पर्टिकुलर लोग है, जो उसकी पर्टिकुलर फॉलोइंग है, उनके बीच में हमने प्रसारित करने की कोशिश की है। और इन जनरल पब्लिक को भी हमने मैसेज करके अवगत कराया कि आनंदपाल जिसके खिलाफ 37 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से कई हत्या, लूट, डकैती, फिरौती के, जिसके पास अनाप शनाप संपत्ति है, उसका महिमा मंडन करने से हम यूथ को एक गलत आइकन दे रहे हैं, ये हमारा कहना है इसके पीछे। और इस तरह से हमने कई पोस्ट हमने जारी किए, कुछ र्यूमर्स फैल रहे, कुछ र्यूमर्स ऐसे फैल रहे कि भैया पहले पकड़ लिया बाद में गोली मार दी, जो गलत र्यूमर्स फैल रहे हैं उसमें जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं उसको लेकर फिर से नोटिस दिया गया है आनंदपाल के परिजनों को शव के अंतिम संस्कार को लेकर, और लाडनू तहसील में धारा 144 भी लगाई गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें जो कानून व्यवस्था की स्थिति को हमने एंटिसिपेट किया है, उसको डिसिपेट करने के लिए एक प्रिवेंशन के तौर पर धारा 144 जारी की गई। आज जो नोटिस सर्व किया गया है वो नोटिस, इन्होंने जो हमारे नोटिस का पूर्व जवाब दिया था उसका जवाब है, उन्होंने जो हमें जवाब दिया है उसका जवाब है चूरू पुलिस द्वारा, जो हमने चूरू पुलिस से प्राप्त करने के बाद उसकी तमीम है। क्या धारा 144 जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सभा जो की जा रही है, उसको भी अफेक्ट करेगी? बिल्कुल, हम ये धारा 144 बेसिकली इसलिए लगाई है कि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सभा स्थल पर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, इस पूरे लाडनू तहसील में कहीं भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बनती है तो उसको हम मजबूती से डील कर सकें, इसलिए धारा 144।